क्वेश्चन नंबर टू 2017 का पेपर है, 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड्स लिखने हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत छोटा सा कैच है, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस। यहाँ पर पांच चीजें दी हुई हैं, ए ट्रांसपेरेंसी, बी अकाउंटेबिलिटी, सी फेयरनेस एंड जस्टिस, डी करेज ऑफ कन्विक्शन, ई स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो अब आप सोचोगे तो बहुत आसान टर्म्स दिए हुए हैं, इन टर्म्स के बारे में अगर मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं। यहाँ बहुत छोटा सा कैच है, किसमें जो वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एग्जामिन द रेलेवेंस। अब जब रेलेवेंस को आपको एग्जामिन करना है, इसका मतलब आप ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन पूरी लिखकर आ जाइए, बेशक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अकाउंटेबिलिटी की पूरी डेफिनेशन लिखकर आ जाइए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फेयरनेस एंड जस्टिस के साथ भी यही होगा, बाकी दोनों के साथ भी यही होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर रेलेवेंस बतानी है। अब जैसे मैं आपको एक दो का एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी आसान है, आप रेलेवेंस सबका खुद निकाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात जहाँ पर आती है, वहाँ किस चीज़ की बात आती है, ट्रस्ट की। अगर आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहे हैं तो ट्रस्ट कम होगा। तो मान लीजिए सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको डाउट होगा कि भाई अगर सच कर रहे हैं तो दिखाते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं कि क्या कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट रहेंगे, पारदर्शी रहेंगे तो वो ट्रस्ट मेंटेन रहेगा। तो इसका रेलेवेंस कहाँ से होगा, डायरेक्टली ट्रस्ट से। ऐसे अकाउंटेबिलिटी, अगर मान लीजिए अकाउंटेबल नहीं है जनता की तरफ सरकार, जनता की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो किस तरह से काम करवाया जाए। मान लीजिए इलेक्शन ना होता हो तो हर आदमी अपने मन मुताबिक करेगा, भाई 5 साल के लिए आए, खूब पैसा कमाओ और जाओ। लेकिन पता है उन्हें अगले इलेक्शन में आना, तो थोड़ा बहुत जो सही काम करते हैं वो इस कारण करते हैं कि भाई पता है अगले साल इलेक्शन में आना है। इलेक्शन में केवल और केवल आप गलत तरीकों से नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर जनता की बात का प्रभाव रहता है। तो रेलेवेंस क्या है कि आपके वर्क कंप्लीशन के लिए ज्यादा एफर्मेटिव टी रहती है। सो दैट्स हाउ यू कैन हैंडल दिस वन।